आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन के काफी मरीज मेरे पास में आते रहते, अलग 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 प्रेजेंटेशन लेके आते रहते। एक 25 साल का लड़का मेरे पास में कुछ दिन पहले आया, कुछ हफ्ते पहले आया, और उसने ये बताया कि भाई मेरी एंगेजमेंट हो चुकी, एंगेजमेंट के बाद में, मतलब मंगनी हुई, एंगेजमेंट के बाद में लोगों ने कान भरना चालू कर दिया। मुझे ऐसा बताया कि वो लोग अच्छे नहीं है, लोग बहुत ही गुस्से वाले लोग है, वो लड़की भी बहुत गुस्से वाली है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, और उनसे यदि आप वो लड़की घर में लाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसके माता पिता जो है वो डोमिनेटिंग है, उसके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं, वो उनका सुनती है, और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खलास हो जाएगा, क्योंकि आप तो, आपको तो वो घर से अलग ही निकाल देंगे, आपको बोलेंगे नहीं घर से अलग हो जाओ, अपने को तो अलग रहने का है। ऐसा बोलते, ऐसा काफ़ी लोगों ने बोल दिया, तो उसको कन्फ्यूजन हो गया। उसने उनको बोल दिया फोन करके कि मेरे को शादी करने के लिए, मेरे को ये तोड़ने का है। टूट गया एंगेजमेंट, टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उससे उसको डिप्रेशन आ गया कि मैंने गलत किया, मैंने उनको फंसाया गया, मैंने उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लोगों ने मेरे कान भरे। मैंने उसका मतलब ये नहीं किया कि भाई उसका जांच पड़ताल नहीं किया, उसको असर्टन नहीं किया मैंने कि भाई उसको प्रूफ नहीं मांगा। लोग, मैं हल्का कान का हो गया, लोगों को मैंने मान लिया, लोग जो बोल रहे वो मान लिया, मैंने अच्छा नहीं किया, और उसको वो विचार आते रहते थे, नर्वसनेस आता था, कभी रोता था। मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, जो हो गया हो गया, अभी क्या कर सकते हो, बताओ क्या वापस आप उनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब ये हो सकता है कि नहीं भाई हमारी गलती हो गई, फिर से बातचीत चालू करो, वो हो सकता है। नहीं, बोले अभी तो इज्जत का सवाल है, ऐसा करेंगे तो हमारी इज्जत निकल जाएंगी, हमारे घराना मतलब जो हमारा उसकी इज्जत निकल जाएंगी, तो वो संभव नहीं है। मतलब फिर क्या कर सकते, मतलब जो हो गया उसके लिए क्या खुद को आप माफ कर सकते हो, जो हो गया, और जैसे भी अन्य बोले, मेरा तो ऐसा बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं निर्णय बराबर लेता नहीं, मैं कभी कभी निर्णय लेता हूँ और फिर बाद में खुद को ही बहुत मतलब टोकते रहता हूँ, या बुरा बुरा बोलने लगता हूँ कि मैं निर्णय लेता नहीं, या निर्णय में पोस्टपोन करते रहता हूँ, आगे ढकलते रहता हूँ, निर्णय लेने के बाद में बोलता कि मैंने ठीक नहीं किया, ऐसा मुझे बार बार होता है। मतलब ठीक है, क्या आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हो, आप जैसे वैसे, क्या आप अपने आप को माफ़ कर सकते हो, बोले हाँ कर सकता हूँ, मतलब करो। और दूसरा, सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक, मेडिटेशन की टेक्निक, और जो विचार आ रहे हैं वो इरेशनल विचार अभी है, और रैशनल थिंकिंग कैसे हो सकती है उसके बारे में काउंसलिंग किया, और बाद में 3 सीटिंग के बाद में उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा और वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। तो ऐसा संभव है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिप्रेशन से परेशान है कुछ ना कुछ कारण से, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।